हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरा मेडको नर्सिंग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। है ये नर्सिंग ऑफिसर की ही एग्ज़ाम, बट क्या है कि रेलवे में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के नाम से ही जानते हैं। पोस्ट है ये नर्सिंग ऑफिसर की ही एग्ज़ाम, तो फ्रेंड्स कन्फ्यूज ना होइएगा। ये क्वेश्चन आंसर फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो ऑल नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है उसे कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। यदि जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा है तो उसे गेस करके आंसर दें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो को एंड तक जरूर से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज आर फेटल ब्रेन डिसऑर्डर्स दैट आर कॉज्ड बाय द प्रियन प्रोटीन। कौन सी बीमारी घातक मस्तिष्क विकार है जो प्रियन प्रोटीन के कारण होती है? ऑप्शन ए पिक्स डिजीज, ऑप्शन बी मैड काउ डिजीज, ऑप्शन सी क्रुट्जफेल्ड जैकोब डिजीज, ऑप्शन डी लेवी बॉडी डिजीज। तो बताएं फ्रेंड्स, कौन सी डिजीज फेटल ब्रेन डिसऑर्डर है जो कि प्रियन प्रोटीन के कारण होती है? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्रुट्जफेल्ड जैकोब डिसीज। व्हाट इज द क्रुट्जफेल्ड जैकोब डिसीज? क्रुट्जफेल्ड जैकोब रोग को सब एक्यूट स्पॉन्जी फॉर्म इंसिफेलोपैथी या न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है, जो कि एक प्रियन रोग के कारण होता है, या एक फेटल डिजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है, यानी यह एक घातक अपक्षयी मस्तिष्क विकार है। ईयरली सिम्टम, इसके जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं वो है मेमोरी प्रॉब्लम, मतलब स्मृति समस्याएं होना, बिहेवियरल चेंजेस, व्यवहार में परिवर्तन होना, एंड विजुअल डिस्टर्बेंस, दिखाई देने में कठिनाई होना। और फ्रेंड्स, इसके जो बाद के लक्षण होते हैं डिमेंशिया, मतलब मनोभ्रम होना, इनवॉल्वेंट्री मूवमेंट्स, अनैच्छिक गतिविधियां, ब्लाइंडनेस, आई मीन अंधापन, वीकनेस एंड कोमा। फ्रेंड्स, सिंपल में कह सकते हैं सीजेडी किसके कारण होता है? सीजेडी एक प्रोटीन के कारण होता है जिसे प्रियन प्रोटीन कहा जाता है। प्रियन गलत तरीके से मुड़े हुए प्रोटीन होते हैं जिनमें अपनी गलत तह वाली आकृति को उसी प्रोटीन के सामान्य रूपों पर संचारित करने की क्षमता होती है। वर्मर्स सिंड्रोम इज कॉन्सिडर्ड एज, वर्मर्स सिंड्रोम को क्या माना जाता है? तो बताएं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए MEN टाइप 1, ऑप्शन बी MEN टाइप 2, ऑप्शन सी MEN टाइप 4, ऑप्शन डी MEN टाइप 3। सो फ्रेंड्स, बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए MEN टाइप 1। व्हाट इज दी MEN टाइप 1? तो बताएं फ्रेंड्स, MEN टाइप 1 होता क्या है? तो सबसे पहले जानेंगे इस MEN टाइप 1 का फुल फॉर्म क्या होता है। MEN का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल इंडोक्राइन न्योप्लेसिया टाइप 1। अब देखेंगे MEN टाइप 1 होता क्या है। मल्टीपल इंडोक्राइन न्योप्लेसिया टाइप 1 एक वंशानुगत बीमारी है जो शरीर के कई हिस्सों भागों में ट्यूमर पैदा करती है। ये ट्यूमर आमतौर पर गैर कैंसरकारी होते हैं, कैंसर नहीं होते, गैर कैंसरकारी होते हैं। ये मुख्य रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित करती हैं। फ्रेंड्स, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो है पैराथायराइड ग्रंथि में ट्यूमर बनना, जिससे ज़्यादा पैराथायराइड हार्मोन बनता है और ब्लड कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है। नेक्स्ट सिम्टम्स है अग्नाशय, पैनक्रियास, पैनक्रियास में न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर बनना, जिससे ज़्यादा पेट का एसिड बनता है और अल्सर भी हो सकता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर बनना। इसके और भी सिम्टम्स होते हैं, ज़्यादा डीपली में नहीं जाना है फ्रेंड्स, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स आर मेंटेन्ड बाय। शरीर के तरल पदार्थों का ऑस्मोटिक दबाव और अम्ल क्षार संतुलन किसके द्वारा बनाए रखा जाता है? तो बताएं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी जिंक। तो बताएं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट सुटेबल पोजीशन फॉर गिविंग एन एनीमा। एनीमा देने के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति कौन सी होती है? मतलब पेशेंट को एनीमा देने के लिए सबसे सुटेबल पोजीशन कौन सी होती है? तो बताएं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट लैटरल पोजीशन, ऑप्शन बी लिथोटोमी पोजीशन, ऑप्शन सी प्रोन पोजीशन, ऑप्शन डी लेफ्ट लैटरल पोजीशन। तो बताएं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन को पहले सही तरीके से पढ़ें, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेफ्ट लैटरल पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कन्वेंशंस आर फॉलोवेड फॉर स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंस। गोलाकार दर्पण और लेंस के लिए कौन सी परंपरा का पालन किया जाता है? तो बताएं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए न्यू आइंस्टाइन साइन, ऑप्शन बी न्यू कार्टेशियन साइन, ऑप्शन सी न्यू हुईगेंस साइन, ऑप्शन डी न्यू न्यूटन साइन। तो बताएं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गेस करें और कमेंट बॉक्स में आंसर दें। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यू कार्टेशियन साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कॉल्ड एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। किसे गैर संभाव्यता कहा जाता है? ऑप्शन ए क्लस्टर सैंपलिंग, ऑप्शन बी सिस्टमैटिक सैंपलिंग, ऑप्शन सी स्टार्टिफाइड रैंडम सैंपलिंग, ऑप्शन डी कोटा सैंपलिंग। तो बताएं फ्रेंड्स, किसे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहा जाता है? क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ें, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर दें। जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप गेस करके आंसर दें। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोटा सैंपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is an example of the risk for infection in nursing diagnosis? इनमें से कौन सा नर्सिंग निदान में संक्रमण के जोखिम का एक उदाहरण है? तो बताएं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस, ऑप्शन बी डायग्नोसिस नर्सिंग डायग्नोसिस, ऑप्शन सी रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस, ऑप्शन डी एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ें, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस में इन्फेक्शन के रिस्क का एक एग्जांपल है? तो फ्रेंड्स, गेस करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायत राज वाज रिकमेंडेड बाय। पंचायत राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण कमेटी, ऑप्शन बी साइमन कमीशन, ऑप्शन सी काका कालेकर कमेटी, ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता कमेटी,
तो बताएं फ्रेंड्स, पंचायत राज की थ्री टायर सिस्टम किसके द्वारा रिकमेंडेड हुई थी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता कमेटी। फ्रेंड्स, पंचायत राज की थ्री टायर सिस्टम बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा रिकमेंडेड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिक टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। सिक परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? तो बताएं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी मीजल्स, ऑप्शन सी रूबेला, ऑप्शन डी मम्प्स। तो फ्रेंड्स, गेस करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इनमें से कौन सा छोटी आंत का अंतिम भाग है? तो बताएं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इलियम, ऑप्शन बी जेजेनम, ऑप्शन सी ड्यूडेनम, ऑप्शन डी अपेंडिक्स। तो फ्रेंड्स, गेस करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दें। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मर्क्यूरी, ऑप्शन सी कोल, ऑप्शन डी सल्फर। फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी मेटल रूम के टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है? तो बताएं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिडॉक्सिन इज अदरवाइज कॉल्ड एज। पायरिडॉक्सिन को अदरवाइज क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए विटामिन बी वन, ऑप्शन बी विटामिन बी टू, ऑप्शन सी विटामिन बी ट्वेल्व, ऑप्शन डी विटामिन बी सिक्स। तो बताएं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन बी सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज ऑफ लेबर द प्लासेंटा इज डिलीवर्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? लेबर के किस स्टेज में प्लासेंटा डिलीवर्ड होता है? ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेज, ऑप्शन बी थर्ड स्टेज, ऑप्शन सी सेकंड स्टेज, ऑप्शन डी फोर्थ स्टेज। प्रसव के किस चरण में प्लासेंटा बाहर निकलता है? तो बताएं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी थर्ड स्टेज। फ्रेंड्स, लेबर के थर्ड स्टेज में प्लासेंटा डिलीवर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल आईक्यू लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग इज। मनुष्य का सामान्य आईक्यू स्तर क्या है? तो बताएं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 80-200, ऑप्शन बी 120 एंड अबव, ऑप्शन सी 110-120, ऑप्शन डी 90-110। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 90-110। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंज्यूरी इन द फर्स्ट 24 आवर्स? 24 घंटों में बर्न इंज्यूरी का इमरजेंसी मैनेजमेंट इनमें से फर्स्ट कौन सा है? ऑप्शन ए प्लास्टिक सर्जरी, ऑप्शन बी फ्लूड रिससिटेशन, ऑप्शन सी ड्रेसिंग, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक थेरेपी। फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा पहले 24 घंटों में जलने की चोट का आपातकालीन प्रबंधन होता है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को पहले सही तरीके से पढ़ें, उसके बाद ही कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो बताएं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फ्लूड रिससिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी एंड ऑटो इम्यून डिसीज अफेक्टिंग पेरिफेरल साइनोवियल ज्वाइंट्स ऑफ बोन? कौन सी एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी और ऑटो इम्यून डिसीज है जो बोन के पेरिफेरल साइनोवियल ज्वाइंट्स को अफेक्ट करती है? ऑप्शन ए रिमेटॉइड, ऑप्शन बी पॉलीआर्थराइटिस, ऑप्शन सी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑप्शन डी एंकिलोसिंग। तो बताएं फ्रेंड्स कौन सी एक पुरानी सूजन और स्वप्रतिरक्षी बीमारी है जो हड्डी के परिधीय स्लेस जोड़ों को प्रभावित करती है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग गेस करें और कमेंट बॉक्स में आंसर दें। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रिमेटॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया विच कैन सिंथेसाइज दियर फूड बाय फोटोसिंथेसिस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ? सभी हरे पौधे और बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? तो बताएं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डीकम्पोजर्स, ऑप्शन बी इनटेकर्स, ऑप्शन सी फूड गिवर्स, ऑप्शन डी प्रोड्यूसर्स। सो फ्रेंड्स गेस द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स द इमीडिएट स्टेप इन रिससिटेशन ऑफ द न्यूबॉर्न? न्यूबॉर्न के रिससिटेशन में इमीडिएट स्टेप इंक्लूड है, इन चारों ऑप्शन में से एक कौन सा है? ऑप्शन ए सक्शन ऑफ द बेबीज स्टमक, ऑप्शन बी क्लियरिंग द ओरल एंड नेजल एयरवे, ऑप्शन सी स्नीजिंग द चेस्ट टू रिमूव सिक्रेशंस फ्रॉम द एयरवे, ऑप्शन डी रूटीनली गिविंग सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बताएं फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें। इनमें से कौन सा एक नवजात शिशु के पुनर्जीवन में तत्काल कदम शामिल है? तो बताएं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्लियरिंग द ओरल एंड नेजल एयरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट्स कैन बी लिंक्ड टू? संतृप्त वसा से भरपूर आहार का संबंध किससे हो सकता है? ऑप्शन ए किडनी फेलियर, ऑप्शन बी कार्डियक और हार्ट डिसीजेस, ऑप्शन सी एनोरेक्सिया, ऑप्शन डी बुलिमिया। तो बताएं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कार्डियक और हार्ट डिसीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी?
ऑप्शन ए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी वॉक्समैन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो बताएं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज नॉट कंसीडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ ए हॉस्पिटल सिस्टम। इनमें से कौन सा पहलू अस्पताल प्रणाली का संकेतक नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए पेशेंट सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन बी पब्लिक रिलेशंस, ऑप्शन सी मशीनरी, ऑप्शन डी क्वालिटी ऑफ केयर। तो बताएं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मशीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है? ऑप्शन ए वुड, ऑप्शन बी प्लास्टिक बैग, ऑप्शन सी न्यूक्लियर वेस्ट, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ें। इनमें से कौन सा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो बताएं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉमिनल वेरिएबल्स आर आल्सो नोन एज। नाम मात्र चर को और किस नाम से जाना जाता है? नॉमिनल वेरिएबल्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो बताएं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए ऑर्डिनल वेरिएबल, ऑप्शन बी कैटेगोरिकल वेरिएबल, ऑप्शन सी डिस्क्रीट वेरिएबल, ऑप्शन डी कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल। तो बताएं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कैटेगोरिकल वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? तो बताएं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? वैज्ञानिक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए एम्पिरिकल रिसर्च, ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन सी थ्योरेटिकल रिसर्च, ऑप्शन डी हिस्टोरिकल रिसर्च। तो बताएं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एम्पिरिकल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वाइब्रेशंस टू द इंटरनल ईयर। आंतरिक कान तक ध्वनि कंपन का संचरण कौन सा है? ऑप्शन ए ऑरिकल, ऑप्शन बी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी वेस्टिबुल, ऑप्शन डी यूस्टेशियन ट्यूब। तो बताएं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द लीवर। इनमें से कौन सा यकृत का कार्य नहीं है? तो बताएं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ऑप्शन बी एलिमिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, ऑप्शन डी
सिक्रीशन ऑफ कोलीसिस्टोकाइनिन। तो बताएं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? गेस करें और कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ऐसे ही ऑल नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।